अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लब्बे शीरीन। इसके लिए हमें चाहिए कस्टर्ड, कलरफुल सवैयाँ, कुछ फ्रूट्स, क्रीम और जेलीज। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रीम को किसी बाउल में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कस्टर्ड बना के उसको ठंडा होने के लिए रख दें और सवैयाँ उबाल के रख लें। फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि एप्पल, बनाना, आप फ्रूट कॉकटेल ये ले सकते हैं। तो कस्टर्ड मेरा ठंडा हो गया है और ये ठंडा होने के साथ साथ थोड़ा थिक भी हो गया है, तो एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो कस्टर्ड मेरा मिक्स हो चुका है, ये देखें पहले कैसा था और अब ये कैसा हो गया। ऐसी है बस, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब बस हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके लिए आप कोई बाउल ले लें, उसमें सबसे पहले कस्टर्ड ऐड करें, फिर इसके अंदर कलरफुल सवैयाँ जो हमने स्टार्ट में उबाल के रखी थी वो इसके अंदर ऐड करें। सवैयाँ ऐड करके एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें जो हमने क्रीम स्टार्ट में मिक्स करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्रीम ऐड करने के बाद जो हमने फ्रूट्स कट किए थे वो सारे फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो फ्रूट्स का यूज़ किया है, एप्पल और बनाना। जेलीज भी मैंने दो फ्लेवर में ली हैं, बनाना और मैंगो फ्लेवर में। जेलीज बनाना भी बहुत आसान है, उसकी रेसिपी भी मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये सारी चीज़ें बारी बारी इसमें ऐड कर दें और एंड पे इसको मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें अपने, अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। इन सब चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके इसको आप फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। और फ्रीज़र में सिर्फ आपने 15 से 20 मिनट ही रखना है, इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख देना है। देखिए मज़ेदार लब्बे शीरीन हमारा तैयार है। आई होप आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।